हेलो नमस्कार बंधुवर चरण में आपका स्वागत है। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए गए हैं। भोपाल में जल्द ही अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी और नई भर्ती के निर्देश जारी कर दिए गए। CM राइज स्कूलों में भी अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। जहाँ जहाँ पर पद खाली है वहाँ पर अतिथि शिक्षकों की भर्ती करने के निर्देश जारी की कर दिए गए DPI की ओर से, जिसके संबंध में पूरी विस्तार से मैं जानकारी आपको देने वाला हूँ और एक वीडियो भी दिखाने वाला हूँ। वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल न भूलें। अपडेट पाने के लिए जल्दी अतिथि शिक्षकों की नई भर्ती की जाएगी। भोपाल में अतिथि शिक्षक के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल अब स्कूलों में रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति होगी। CM राइज स्कूलों में भी खाली पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति होगी, इसे लेकर लोक शिक्षण संचालनालय ने निर्देश जारी कर दिए। मध्य प्रदेश में जिला और विभाग स्तर पर अधिकारियों और कर्मचारियों के खाली पद भरा जा सकता है। इसके लिए सरकार विशेष भर्ती अभियान शुरू करने पर विचार कर रही है। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभाग की स्थिति में खाली और भरे पदों की जानकारी मांगी है। उनसे ये भी पूछा गया है कि पदोन्नत के कितने पद खाली है। करीब 20 विभागों ने ये जानकारी भेज दी है। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के 1 लाख से अधिक पद खाली है। भोपाल में अतिथि शिक्षक के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल अब स्कूलों में रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति होगी। CM राइज स्कूलों में भी खाली पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति होगी, इसे लेकर लोक शिक्षण संचालनालय ने निर्देश जारी कर दिया है।